आयुर्वेद समाधान को आप लोग आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ, आप आयुर्वेद से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस है www.आयुर्वेदसमाधान.com। दोस्तों, अक्सर लोग ज्यादातर बीमारियों को दूर करने के लिए घरेलू उपचार के तौर पर हल्दी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, लेकिन इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाए इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। कई रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ है कि हल्दी स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। हल्दी हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, लेकिन अगर आप इसके साथ काली मिर्च को मिलाते हैं तो इसके फायदे 100 गुने हो जाते हैं। काली मिर्च में मौजूद पिपरिन आपके लीवर को करक्यूमिन को हटाने से रोकता है, जिससे कि आपके शरीर को इसका पूरा लाभ मिल सके। ये पेट में करक्यूमिन को रखने का समय बढ़ाकर मेटाबॉलिज्म रेट को स्लो करता है। इसके अलावा ये एंजाइम को बाधित करता है, जो कि इसे जल्दी मेटाबोलाइज कर सकते हैं। चलिए विस्तार से फायदे देखते हैं कि क्या क्या हल्दी और काली मिर्च के फायदे होते हैं। पहला फायदा देखते हैं, हल्दी की तरह ही काली मिर्च में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं, जो कि शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। रिसर्च में पाया गया कि काली मिर्च और मिर्चों से ज्यादा बेहतर और फायदेमंद होती है। ये शरीर में होने वाले जोड़ों के दर्द, अस्थमा जैसी चीजों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। दूसरा फायदा देखिए, हल्दी और काली मिर्च का मिश्रण आर्थराइटिस को ठीक करने में मदद करता है। भारत में प्रचलित आयुर्वेद में कई बीमारियों को ठीक करने के लिए हल्दी और काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है। ये जोड़ों के सूजन को कम करता है, जिससे आर्थराइटिस ठीक होने में मदद मिलती है। गर्म पानी में हल्दी, काली मिर्च और अदरक मिलाकर रोजाना सुबह पीने से शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जिससे कि आपका मोटापा कम होने में आपको मदद मिलती है। हल्दी और काली मिर्च को मिलाकर खाने से शरीर में मौजूद कैंसर सेल्स से लड़ने में भी कई हद तक मदद मिलती है। ये शरीर में मौजूद कैंसर सेल्स को कम करता है। इसका सबसे ज्यादा असर ल्यूकेमिया, गैस्ट्रिक और कोलोन और ब्रेस्ट कैंसर सेल्स पर होता है। अगर आपके पाचन में परेशानी हो रही है तो आप हल्दी और काली मिर्च के मिश्रण का सेवन कर सकते हैं। हल्दी और काली मिर्च एक साथ आंतों में मौजूद पाचन क्रिया बढ़ाने वाले एंजाइम को बढ़ाती है। इसके साथ ही आंतों की सूजन कम होने में भी मदद मिलती है। हल्दी और काली मिर्च के मिश्रण का लगातार सेवन करने से चेहरे पर दिखने वाली झुर्रियां और दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। सांस और दांत बीमारी में भी काली मिर्च और हल्दी का सेवन लाभकारी माना जाता है। ये दोनों मसाले बैक्टीरिया रोधी हैं। इसके अलावा इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। इनमें मुंह की दुर्गंध और अन्य विकार के साथ ही सर्दी जुकाम की दिक्कत भी खत्म हो जाती है। हल्दी और काली मिर्च दोनों शरीर के लिए काफी प्रभावशाली होते हैं। दोनों में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं। काली मिर्च में पिपरिन बहुत ही अच्छा और प्रभावी तत्व होता है। इसके अलावा आप कोशिश कर सकते हैं कि आप अपने रोजाना बनाने वाले खाने में भी दोनों का मिश्रण इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है, जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आयुर्वेद समाधान, और हाँ, हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिए।